तो ये खबर सही साबित हुई। राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को G20 डिनर के लिए एक न्योता भेजा है, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से भेजा गया है। अब संविधान का अनुच्छेद 1 कुछ ऐसा पढ़ा जा सकता है कि भारत, जो कि इंडिया था, संघों का एक समूह है, लेकिन अब तो संघों के समूह का ढांचा भी खतरे में ही है। ये ट्वीट कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने 5 सितंबर को किया। साथ ही दावा किया कि G20 समिट के लिए एक डिनर का न्योता भेजा गया है। ये न्योता राष्ट्रपति भवन की तरफ से अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों को भेजा गया है, और ये जो नेता भेजा गया है, इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इस ट्वीट के सामने आते ही बड़ा विवाद खड़ा हो गया, बड़ी बहस होने लगी। इसके साथ ही एक लेटर हेड भी सामने आया है, जो कथित तौर पर राष्ट्रपति भवन का बताया जा रहा है, और इस लेटर हेड में ऊपर ऊपर ही आप देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है, जो कि पहले इस जगह पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा रहता था। जयराम रमेश के इस दावे के बीच और इस लेटर हेड के सामने आने के बीच तमाम बहस शुरू हो गई है कि ऐसा करना ठीक है या नहीं। बता दें कि जब से विपक्षी दलों ने मिलकर INDIA यानी इंडिया गठबंधन बनाया है, तब से इंडिया बनाम भारत की एक बहस भी पूरे देश भर में छिड़ गई है। इस बहस के बीच ही अब ये लेटर हेड, ये ट्वीट, ये तमाम दावे भी सामने आए हैं, जिसमें कहा गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत शब्द का इस्तेमाल राष्ट्रपति भवन से आए न्योते में किया गया है। इस बीच तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात भी सामने आ रही है कि केंद्र सरकार आने वाले दिनों में संसद का एक विशेष सत्र बुला सकती है, और इस विशेष सत्र में एक बिल भी लाया जा सकता है जिसमें देश का नाम इंडिया हटाकर भारत किया जाएगा। बीते दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ मोहन भागवत ने भी कुछ ऐसा ही इशारा करा था। उनका बयान खासी सुर्खियों में रहा था। सरकार से नहीं होता, नेताओं से नहीं होता, भाषणों से तो होता ही नहीं, तो जो आचरण करते हैं वो हम सबको आचरण करना प्रारंभ कर देना। महाराज जी ने कहा इंडिया नहीं भारत होना चाहिए, हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ। मोहन भागवत का बयान आने के कुछ ही दिनों में अब ये राष्ट्रपति भवन का लेटर हेड भी सामने आया है। कांग्रेस के तमाम नेताओं का ये बात सामने आई है कि केंद्र सरकार देश के संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाना चाह रही है, यानी भारत बनाम इंडिया की बहस अब देश भर में छिड़ चुकी है, ये बात तो तय है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।